जोहार झारखंड रांची बाजार पर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रामगढ़ के नगर मंत्री सिद्धार्थ कुमार पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बतलाया कि रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लगभग 500 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए, क्योंकि विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा 16 मई से परीक्षा आयोजित की गई है, लेकिन कॉलेज के छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड नहीं मिला। जैसा कि जानकारी मिली है कि कॉलेज को मान्यता नहीं मिली और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए निजी स्वार्थ पूर्ति या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों को अंधकार में रखते हुए गलत तरीके से कॉलेज में दाखिला लेकर उनके भविष्य के साथ धोखेबाजी की जा रही है। बच्चों के साथ अभिभावक भी परेशान है। सिद्धार्थ पांडे ने कॉलेज प्रबंधन से पूछा है कि जब आपके कॉलेज की मान्यता नहीं तो फिर आपने किस आधार पर एडमिशन लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन के इस रवैये के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है।